हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जो कि चाइनीज़ है बट इंडियन भी उसमें मिक्स है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली चिली। उसके लिए मैं पहले अभी इडली को मैरिनेट करके रखूँगी। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैदा। आज ही मैं डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ। आप सबको अगर अच्छी लगती है तो मेरे लिंक को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करना ज़रूर। और इसमें मैं अभी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस यूज करूंगी। और 1 टेबल स्पून सोया विनेगर यूज करूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होने की वजह से ये जम जाता है, नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको मिक्स करना भी ज़रूरी है। इसमें मैं नमक टेस्ट करने के बाद डालूंगी, जिससे कि मैंने सोया सॉस डाला है, सोया सॉस में नमक होता ही है, इसलिए इसमें नमक हमें बहुत ही केयरफुली डालना पड़ेगा क्योंकि सोया सॉस में बहुत ज़्यादा नमक होता है, हमें नमक डालने की नहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको ज़्यादा नमक के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। नमक आप टेस्ट करने के बाद ही डालिएगा, अगर आपको कम लगता है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें मेरी हाथ से बनाई हुई होममेड इडली है, ये मैंने कट कर ली है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने घर पे ही बैटर बना करके इडली बनाई थी और इसको कट कर लिया है मैंने, और अब इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी। इसी में ये सारी इडली मैरिनेट करके 1/2 आवर्स के लिए रख दूंगी, जिससे इसमें टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, जिससे ये कोटेड लगनी चाहिए, बिल्कुल कोटेड लगेगी। और ये फिर हमें इसे फ्राई करनी है, वो प्रोसेस मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले इसको मैरिनेट करके 1/2 आवर्स के लिए मैं छोड़ दूँगी, जिससे मेरी इडली सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसके अंदर ये जो मसाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी इडली मैरिनेट कर ली है और अब मैं इसको 1/2 आवर्स के लिए रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मैरिनेट की हुई इडली फ्रिज में रखी थी, ये देखिए कितने अच्छे से कोटेड हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म करने को रखा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मुझे फटाफट फ्राई करना है क्योंकि ज़्यादा देर इडली तो ऑलरेडी
पकी हुई है, इसलिए हमें सिर्फ ऊपर का कोट ही इसको पकाना है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने जल्दी से फ्राई हो रही है, इसका कोट ही सिर्फ हमें फ्राई करना है, जिससे ये अंदर इडली तो पकी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, अब मैं इसे निकालूंगी। अब मैं इसे टिश्यू पेपर में निकाल दूंगी जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। एक बैच मैं और डालूंगी। हमें इसको थोड़ा क्वांटिटी कम डालनी रहेगी क्योंकि इसमें आपस में चिपक जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हमें फ्राई करना पड़ेगा। और जो चिपक गया है उसको अलग करके ही रखना है, जिससे कि एक एक पीस अलग रहेगा तो चिली अच्छे से बनती भी है और अच्छी दिखती भी है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी हो जाता है फ्राई, इसको फटाफट ही बनाते रहना है। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है, लाइक तो कर ही दिया होगा, लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये इजी तरीका है इडली चिली बनाने का। इडली अगर बच जाती है घर में बनी हुई तो ये बच्चों को खाने नहीं होती है, तो इसको फ्रिज में रख के थोड़ा कड़क करके फिर उसके बाद इसमें हम लोग ये रेसिपी शाम को इवनिंग में बना सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों सभी लोग बड़े आराम से खा लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सभी लोग इसको ट्राई करिएगा, जो भी ट्राई करेगा मुझे प्लीज़ बताइएगा आप कहाँ से हैं और कैसा बना, मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलिए मैं फिर आपको मिलती हूँ आगे के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी इडलियों को फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको आगे बनाने के प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इडली चिली आगे बनाने के लिए, ये देखिए मैं पहले पैन को गर्म कर लेती हूँ, फिर उसको 2 टेबलस्पून ऑयल लेती हूँ और अब हम इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए पहले से चॉप करके रख लिए थे,
इसमें ग्रीन अनियन है, कैबेज है और शिमला है, और ये देखिए एक अनियन है, और ग्रीन चिली मैंने ली है, इसको बीच से ऐसे कट कर लिया, और ये देखिए चॉप गार्लिक है। अब मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी, फिर ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, ये जब तक हल्का ही कम होने, इसका एक जो प्रीडेंस होती है यानी इस गार्लिक की वो मुझे निकालनी है, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें मैं ये देखिए एक चम्मच ग्रीन चिली, एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच रेड चिली सॉस, और एक चम्मच सोया सॉस। एक चम्मच से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छे से सॉस डालते हैं। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी भी हो गया है, और अब हम इसमें ये शिमला मिर्च थोड़ी सी लूंगी, क्योंकि मैं एक प्लेट ही अभी बना रही हूँ, थोड़ा कैबेज, ग्रीन अनियन और ये अनियन पेटल्स थोड़े से लूंगी। अब इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, बस हमें इतना ही करना है इसमें, और अब हम इसमें इडली फ्राई की हुई अपनी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसमें एक चम्मच ये देखिए कॉर्नफ्लावर का ये देखिए लिक्विड बनाऊंगे, और उसमें हम अपनी इडली डालने के बाद भी इसको ऐड धीरे धीरे करेंगे, जिससे ये अच्छे से सभी तरह मिक्स हो, वरना एक साथ डालेंगे तो सब एक साथ जम जाएगा। ये देखिए हमारी ग्रेवी को गाढ़ा कर देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लावर डालते ही हमारी चिली कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है और मिक्स भी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली चिली रेडी है, और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इडली चिली कितनी ही अच्छी लग रही है, इसको यकीन मानिए, खा के देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए और खा के देखिए, और फिर बताइएगा मुझे ये इडली चिली आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैंने इसके साथ वेज फ्राइड राइस सर्व किया है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये इडली चिली, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी